है गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज अजय एंड आपका स्वागत है मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल में। सो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप भी जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर है, आप सब जानते होंगे, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर आप भी जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड से बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो मैंने काफ़ी रिसर्च और एनालाइज करके बनाई है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड वालों, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज आप सबको यार दिल से सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा ही दिन हो गए, ठीक है, वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया था, अप्रोक्सीमेटली 1 month से भी ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, सो दैट मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। बट मैं अभी रेगुलर रहूँगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी सामने आ गई है, तो उसके लिए यार वन सेकेंड दिल से सॉरी, ठीक है। और मैं अब ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियोज़ अपलोड करने की, तो आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि यार वीडियो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें यार कुछ ट्रिक्स भी इंक्लूड हैं, तो यार आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप वीडियो को सेव प्लेलिस्ट में सेव करके रखिए, बाद जब आपको टाइम मिले तब वीडियो को देख लीजिएगा, बट यार वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको यार अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आएगा, ओके। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आप कॉपी एंड पेन लेके उस सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो और ये जो दोनों चैप्टर ये काफ़ी ईजी भी है एंड शॉर्ट चैप्टर भी है, ठीक है, ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो इसको और ये इजी भी है, तो इसको एक वीक स्टूडेंट भी इजीली इसको आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यार इसके अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एंड में कुछ बातें बताऊँगा जो कि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा भी प्लस आप नोट डाउन भी करते जाइएगा कॉपी में, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यार जेक बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो जेक बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, और यहाँ पे जो मार्क दिख रहा होगा इसके बारे में आपको यार एंड में बताऊंगा। इट इज़ नथिंग बट ये कुछ नहीं यार आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क आएगा इस टाइप के, वो मैं आपको एंड में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितने आएंगे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, यानी कि ईएम वेव्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको यार एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लगेंगे, बट यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन है बट यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यार आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको सब स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, मेंशन इट्स प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टर, यानी कि सबसे पहले यार आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टर को मेंशन करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे और एक भी बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी चुनकर दूंगा जो कि यार एग्जाम में जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आएगा, ठीक है। ऐसे तो ये सभी क्वेश्चन यार आपकी इंपॉर्टेंट है, बट मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दूंगा इसी से, ठीक है, वो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यार वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेंशन इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये वाला। तो कि इसका प्रॉपर्टीज या फिर गुण को मेंशन करना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और इसके प्रॉपर्टीज को मेंशन करना, या फिर इसके कैरेक्टर यानी कि इसके विशेषता या फिर गुण क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यार आपके 2000 आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2020 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यार 2020 में भी हो
सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार ये पहला क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है वाटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेंशन इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ पे मेंशन इट प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, बट आपको यार एग्जाम में दो या फिर तीन प्रॉपर्टीज़ को मैक्सिमम आपको मेंशन करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यार आप कम से कम यार चार पाँच प्रॉपर्टीज़ को सीख के जाएंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में यार आपको दो से तीन प्रॉपर्टीज़ ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है, मेंशन इट्स टू प्रॉपर्टीज़ टाइप से। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग, आप बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में यार थोड़ा सा ट्रिक, मतलब ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन में बताया क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट आर गामा रे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाट आर गामा रे, उसके बाद कोमा, फिर एक्स रे, फिर कोमा, फिर अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इस टाइप से मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उन सबके मतलब कोमा लगा के मैंने यहाँ पे दिया। तो व्हाट आर गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे यानी विजिबल रे यानी कि लाइट, ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर, इनमें से यार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक में बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें से यार आपको ये सभी नहीं पूछेगा कि गामा रे, ये जितने भी यहाँ पे सेवन प्रकार के वेव दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो सभी नहीं पूछेगा। इनमें से यार आपको सिर्फ दो वेव पूछेगा, ठीक है, दो या फिर मैक्सिमम तीन पूछ सकता है, बट दो ही पूछेगा, ठीक है। आपको पूछेगा व्हाट आर गामा रे या फिर एक्स रे, या फिर आपको व्हाट आर गामा रे एंड रेडियो वेव, मतलब कोई भी एक दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पूछेगा, ठीक है। इनमें से यार जितने सात हैं, लेकिन सात आप सात को आपको पढ़ के जाना, क्योंकि कौन सा दो पूछेगा ये किसी को पता नहीं, ठीक है। और मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो माइक्रोवेव एंड गामा रे, ठीक है, ये सब इनमें से पूछा जाता है, बट यार आपको सभी को करके जाना है, ठीक है। इसमें सेवन वेव है, ठीक है, सात वेव, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रा रेडिएशन या फिर इंफ्रा रे, उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। तो इन सभी वेव को यार आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। मतलब ये क्या है, तो पूछेगा व्हाट आर गामा रे, उसके बाद यार आपको ये जो लास्ट में ये जो दिख रहा होगा, गिव टू यूजेस और ये ईच ऑफ द ईएम वेव, मतलब इनमें से प्रत्येक ईएम वेव, जितने भी गामा रे, एक्स रे, जितना भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिख रहा होगा, सबका यार आपको दो दो यूजेस, ठीक है, दो दो उपयोग, मतलब दो दो यूजेस उसका सीख, मतलब उसको लर्न करके जाना है यार, ठीक है, क्योंकि ये पूछता ही है, ठीक है। आपको यार पूछेगा कि व्हाट आर गामा रे एंड, मतलब कोई दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछेगा, उसके डेफिनेशन या फिर उसके बारे में थोड़ा लिखना है, ठीक है। व्हाट आर गामा रे एंड एक्स रे पूछेगा, उसके बाद गिव टू यूजेस ऑफ दिस ईएम वेव, मतलब उस ये जो जो भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछेगा उसका दो यूज आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आया थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा है, ये भी ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज पर वेवलेंथ गिवन ब्लो, ठीक है, राइट वन एप्लीकेशन या फिर यूजेस ऑफ इच, मतलब कि यहाँ पे आप पूछ रहा है कि नीचे यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये वाला यार आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ठीक है, वेवलेंथ है, ठीक है, 1 नैनोमीटर, 10^-3 नैनोमीटर, ठीक है, ये जितने भी दिख रहा होगा, ठीक है, एफ तक, ये सभी यार आपके वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेवलेंथ है, ठीक है। तो इनमें से यार आपको इतने, मतलब जितने मैंने यहाँ पे दिए हैं वो सभी नहीं पूछेगा, इनमें से यार आपको दो या फिर तीन पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, ये दो या तीन पूछ सकता है। तो इन दो तीन, मतलब लेकिन आपको यार सबको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, क्योंकि कौन सा पूछेगा ये तो कन्फर्म नहीं, बट यहाँ पे यार आप मैं जो दे रहा हूँ, ठीक है, सबको यार करके जाना, ठीक है। तो इसमें से यार आपको या दो या तीन आपको पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि वन नाइनोमीटर जो मतलब किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप 10^-3 किसका होता है, ठीक है, उस टाइप से। तो यहाँ पे लास्ट वाला में आप देख रहे होगे इसी टाइप से यार आपको सबका या जितना भी यहाँ पे वेवलेंथ है वो सबका यार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको यार नेम लिखना है, प्लस में राइट वन एप्लीकेशन या फिर यूसेज ऑफ इच, मतलब इनमें से जितने भी आप मान लीजिए ये रेडियो वेव है, ठीक है, तो इस टाइप से इसका एक एप्लीकेशन या फिर इसका यूज लिखना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, ये जो साइड वाला, मतलब जो लास्ट वाला है वो उसमें यार आपका वन मार्क कंटेन करता है, ठीक है। तो यार ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला आपको यार करके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मैंने मेंशन करें, ठीक है, ये ए बी सी मतलब एफ तक सभी को यार आपको करके जाना है। और लास्ट वाला जो है ये आप देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर इसका जो भी वेव है वो लिख दिया, ठीक है, रेडियो। तो यार रेडियो वेव का जो वेवलेंथ है वो 21 सेंटीमीटर नहीं होता है, बट यहाँ पे जो रेडियो वेव का जो मतलब जो अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें वो उस रीजन में आता है, ठीक है, उस रीजन में आता है, इसलिए मतलब 21 सेंटीमीटर को रेडियो वेव के कैटेगरी में लिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से यार होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर भी सेम थर्ड नंबर की तरह क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको यार फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे यार आपका जो था वो वेवलेंथ दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, वेवलेंथ दिया हुआ था आपका, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यार आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही है, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आपको एक एप्लीकेशन पूछेगा इसका, आपको वो एप्लीकेशन यार आपको सीख के जाना, ठीक है, वो। और यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इसका, ये फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, उस
ऑल्टरनेटिव वेव को लिखना है और उसका एक एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेगा हर्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी यार आपका यहाँ पे हर्ट्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हर्ट्स एक सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, तो यहाँ पे 10^11 हर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यह मेगा हर्ट्स में दिया हुआ है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये मतलब फ्रिक्वेंसी ये पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मेगा हर्ट्स में दिया हुआ है, सो दैट मैं आपको यहाँ पे इसका ये रेडियो 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 वेव का फ्रिक्वेंसी के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है ये विजिबल रे, ठीक है, विजिबल रे के अंदर आता है, ठीक है, ये 5890 एंगस्ट्रॉम टू कितना, ठीक है, 96 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, ये जो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका यार आपको मतलब लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि यार आपको मतलब खोजने में ईजी हो, बट यहाँ पे जो हर्ट्स में दिया हुआ है इसके यार आप इजिली फाइंड कर सकते हैं बुक्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद नीचे में भी ये दिखा हुआ है 2.7K, ठीक है, यहाँ पे ये भी मतलब के में दिया हुआ है, सो दैट यहाँ पे मैं ये जो है वो माइक्रोवेव है। उसके बाद 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ई भी दिया हुआ है, तो ये एक्सरे या फिर सॉफ्ट गामा रे के ये में आता है, ठीक है, कैटेगरी में आता है। कैसे, क्योंकि यार गामा रे आपका यहाँ पे मान ले गामा रे आता है, ठीक है, तो और यहाँ पे एक्सरे आता है, तो ये जो 14.4 के ई भी मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो यार आपका एक्सरे और गामा रे के ठीक सामने आता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं सॉफ्ट गामा रे भी बोल सकते हैं, या फिर इसे आप एक्सरे के कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो यार आपका दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सप्लेन ईच मोड। ये जो क्वेश्चन है यार काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था एज इट इज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ प्रोपगेशन, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन का अलग अलग कौन कौन से मोड है, ठीक है, उसको मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से, तो वो पूछ रहा है उस एक्सप्लेन ईच मोड, मतलब जितने भी आपको यहाँ पे मोड होंगे उन सभी मोड को यार आपको एक्सप्लेन करने के पूछेगा, मतलब बोला जाएगा, तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है, हिंट के लिए, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेशन करने के लिए यार आपका थ्री मेथड मतलब थ्री मोड होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, उसके बाद स्काई वेव प्रोपोगेशन, उसके बाद स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यार थ्री टाइप की मतलब तीन मोड से आप इसको प्रोपोगेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। पहला है आपका ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, फिर स्काई वेव प्रोपोगेशन, फिर आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो इसको यार एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप यार बुक्स वगैरह में देख के आप खुद से यार एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है, बट यहाँ पे थ्री मोड होते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिक्स नंबर क्वेश्चन। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई माइक्रोवेव आर बेटर कैरियर्स ऑफ सिग्नल देन रेडियो वेव, मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि माइक्रोवेव जो होता है, ठीक है, ये माइक्रोवेव रेडियो वेव जितने भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मतलब माइक्रोवेव जो होता है वो रेडियो वेव के कंपेरिजन में, ठीक है, मतलब बेटर कैरियर्स ऑफ मतलब सिग्नल को मतलब अच्छे से कैरी कर सकता है। आपको सिंपल वर्ड बताऊँ तो मतलब वो क्यों कर सकता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। माइक्रोवेव जो होता है बेटर कैरियर्स ऑफ सिग्नल होता है देन रेडियो वेव के कंपेरिजन में, तो ये क्यों होता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ये सिक्स नंबर क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन ये मतलब मैं बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं जितने बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है। तो सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेवंथ नंबर है, व्हाई माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार, यानी कि एज यू नो कि रडार में यार माइक्रोवेव यूज होता है, ठीक है, तो यार माइक्रोवेव को रडार में रडार में माइक्रोवेव को क्यों यूज किया जाता है, तो इसका या इसको यार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, दो तीन सेंटेंस मतलब दो तीन ये कहोगा, ठीक है, तो ज्यादा लंबा नहीं, तो इसको ये भी यार आप काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी यार अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है, एनसीईआरटी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट नंबर है, व्हाट आर अल्ट्रा वायलेट रेज, व्हाट, ठीक है, व्हाट आर अल्ट्रा वायलेट रेज, व्हाट हार्मफुल इफेक्ट डू दे इम्पोज ऑन दी एटमोसफेयर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल का थोड़ी मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यार मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो क्या होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर मतलब उसके बारे में डेफिनेशन या फिर जो उसको थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद इसका हार्मफुल इफेक्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे हम लोग एटमोसफेयर पर मतलब हार्मफुल इफेक्ट करती है, तो वो मतलब कौन सा हार्मफुल इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे जब यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे पड़ती है तो कौन से हार्मफुल इफेक्ट शो करती है फिर करती है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये एट नंबर क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, वो उसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन यार आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है,
तो यार ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइन्थ नंबर आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और व्हाट आर इट्स मेन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आर इट्स मेन पार्ट आएगा या फिर आपको पूछेगा स्टेट इट्स मेजर कंपोनेंट, यानी कि व्हाट आर इट्स मेन पार्ट या फिर इसका मेजर कंपोनेंट, दोनों ही एक ही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका यार क्या होता है कि मतलब एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर देखें तो मतलब उसका एक मतलब स्पेक्ट्रम टाइप का बनता है, ओके गाइस। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर रखेंगे तो यार आपका एक स्पेक्ट्रम टाइप का बनेगा, सबसे पहले गामा रे, ठीक है, फिर एक्सरे इस टाइप से, ठीक है, जीएक्स यूवीआई इस टाइप से, जो लास्ट में आएगा वो रेडियो वेव आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो बनाता है ये एक प्रकार का स्पेक्ट्रम बनाता है, तो वही स्पेक्ट्रम क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है, इसका डेफिनेशन या फिर इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। उसके बाद इसके मेन पार्ट कौन कौन से या फिर इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से, इसके मेजर कंपोनेंट यार कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपका, गामा रे, एक्सरे, ठीक है, जो भी है, जीएक्स यूवीआई एमआर, जो भी आप इसको याद कर लेंगे तो ईजी होगा, ठीक है। वो सेवन प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वही इसके मेन पार्ट या फिर इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। तो ये यार आपको अच्छे से करके जाना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपका 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन यार ये मतलब कुछ अजीब, मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में यार आपका बेसिकली न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, बट यार जेक बोर्ड में जहाँ तक मैंने रिसर्च ये न्यूमेरिकल नहीं आता है मैक्सिमम, ठीक है, बट यार मे बी मतलब इस बार चांस थोड़ा है कि न्यूमेरिकल भी अगर दे दे, ठीक है, 2020 में, तो इसीलिए यार ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल है यार आपका एनसीईआरटी बुक से ही मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, काफ़ी रिसर्च करके, तो यार आप इसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल को भी आपको थोड़ा सा मैं आप एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लेंदी बन रही बट मैं आपको यार एक्सप्लेन करते हुए मतलब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि इन ए प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब किसी प्लेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसोइडली एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 2.0 × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड फॉर बी एम माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो सॉरी गाइस मतलब प्रोनाउंस अच्छे से नहीं हो रहा, गला भी सूख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं टाइम भी 12:14, यानी कि 12:14 हो चुके हैं अभी नाइट को, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, तो यार कोई नहीं, चलो। तो यार आपका दिया हुआ है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 2.0 × 10⁻¹⁰, ठीक है, हर्ट्ज आपका, और एम्पलीट्यूड इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यार पूछेगा कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, मतलब इस वेव का, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, कितने इतने फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका वेवलेंथ क्या है। और उसके बाद पूछेगा व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो इसको यार बेसिकली दो फॉर्मूला से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ निकालने के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू ये वेवलेंथ है, और सी स्पीड अप्लाई जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और बी जो कि आपका फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 2.0 × 10⁻¹⁰ हर्ट्ज, ठीक है। तो इस फॉर्मूला अगर पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर इतना मिल जाएगा। उसी प्रकार सेकंड वाला में, ठीक है, सेकंड वाला आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब उस मैग्नेटिक, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उसको डिनोट करते हैं बी नॉट से, तो बी नॉट और यहाँ पे ई नॉट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सी स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आपका होता है ई नॉट अपॉन सी, यानी कि सी इज स्पीड ऑफ लाइट जो कि विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो यार चेंज हो सकता है, ठीक है, और ये भी चेंज हो सकता है। तो बस यार आपको ये फॉर्मूला अगर आप सीख गए तो यार वैल्यू कुछ भी दे आप इजीली यार निकाल लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर वो न्यूमेरिकल है, बस ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल बेसिकली अभी तक यार जेक बोर्ड में ईएम वेब से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया है, ठीक है, बेसिकली। तो बस बट यहाँ पे इस टाइम इस बार यार आ भी सकता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश या फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसके बीच डिफरेंस निकालना, डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 11 नंबर आपको नोट डाउन कर लेना, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको यार आपको नोट डाउन कर मतलब लिखना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट राइट 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन यार ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो गाइज ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है यार आपके ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इसको समझ लेते हैं तो यार आप इजीली
बना सकते, मतलब इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, बेसिकली पूछ रहा क्या है, बेसिकली पूछ ये रहा है कि मतलब सिक्स टाइप यहाँ पे मतलब सिक्स टाइप लिखा हुआ है, बट यहाँ पे सेवन टाइप होना चाहिए था, सॉरी मिस टाइपिंग हो गया, ठीक है। तो सेवन टाइप या फिर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेवन, आपके सेवन होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सेवन टाइप होना चाहिए था, तो सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा राइट सेवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर सिक्स टाइप पूछेगा तो आपको छः लिखना है, ठीक है। तो अगर सेवन पूछेगा तो सात लिखना है। तो यहाँ पर सेवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका यार आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको यार इसमें ऐसे नहीं पूछेगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, इस टाइप से नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इस टाइप से पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, या फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, या फिर आपको पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ही पूछेगा। बट यहाँ पे मैंने चारों को इंक्लूड कर दिया एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको यार आपको याद कैसे रखना है, तो आपको सिंपल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यार याद रखने का तरीका है जी एक्स यू वी आई एम आर, ठीक है, जी एक्स यू वी आई एम आर, और यहाँ पर लास्ट में ई जो लिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक वेव है, ठीक है। बेसिकली आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो यार आपको इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गामा रे, ठीक है, गामा रे इसका जो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और इधर वाला जो इधर इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो जैसा कि यार आपको पता है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है, अगर आप इधर जाएंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इधर जाएंगे, ठीक है, बैकवर्ड तरफ, तो यार आपका फ्रीक्वेंसी घटेगा, बट अगर आप इधर जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है, ठीक ऑपोजिट होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी इधर जाएंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर इधर जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाला आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ट्रिक करके यार आपको पता कर लेना है। तो आपका आंसर आपको यहाँ पे पूछेगा, कोई मतलब दो मतलब कोई एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ उसके वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में आपको यार लिखना है। तो वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में ये दिया हुआ है जी एक्स यू वी आई एम आर, ठीक है, ये है। या फिर आपको पूछेगा इसी में, या पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, अगर उसका फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तो आपको यार ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके असेंडिंग और फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर पर लिखना है तो आपको यार जस्ट इसको अपोजिट करना है, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स, और ये गामा रे, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। या फिर आपको पूछेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो यार आपको इस टाइप से लिख देना है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखना है, और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछेगा तो ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यार इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है क्योंकि मैं यार आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है, और मेरा गला भी सूख रहा है। तो एनीवे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली पूछ क्या रहा है, और मैं बता दूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 13 नंबर। तो यार इसको मतलब हल्के में नहीं लेना, ठीक है, बहुत ईजी पर मतलब ईजी भी और इंपॉर्टेंट भी है। पूछ रहा है कि व्हाट आर टीवी सिग्नल्स, यानी कि टीवी सिग्नल्स यानी कि टेलीविजन सिग्नल्स क्या होते हैं, और आर दे रिफ्लेक्टेड बैक ऑन दी अर्थ बाय आयनोस्फेयर, यानी कि हम लोग का जो एटमोसफेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसमें से एक होता है आयनोस्फेयर, ठीक है। तो उस आयनोस्फेयर से क्या ये जो टीवी सिग्नल्स का जो मतलब टीवी सिग्नल जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं, तो यस ये रिफ्लेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसका आंसर यार आपको मतलब वैसे नहीं लिखना है, आपको ये एक्सप्लेन करके थोड़ा लिखना है सबसे पहले कि टीवी सिग्नल क्या होता है और ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, नहीं होते हैं तो कैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यार लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपका ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये मतलब अभी तक मतलब उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन यार 2020 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ पे पूछ सकता है। और क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब पढ़ने जाएंगे तो स्टार्टिंग में यार आपको ये दो टर्म आएंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्टिंग करंट, तो इस हिसाब से यार देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ये आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे मतलब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और कंडक्टिंग करंट क्या होता है, ठीक है, उन दोनों का डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्टिंग करंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्टिंग करंट के बीच क्या डिफरेंस है, आपको यार दो तीन डिफरेंस यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है, या फिर उसका डेफिनेशन आपको बेसिकली पूछ सकता है। तो ये है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप आई होप आप सबको यार मतलब इन सबको नोट डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार ठीक है,
तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पे, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कि यहाँ पे यार जितने मतलब क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा यार कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताऊंगा। तो उनमें से यार सबसे पहला ये, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल और एक बात क्लियर कर दूँ कि यार जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट यहाँ पे मैं कुछ अपने तरफ से सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका यार बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये वाला सबसे ज़्यादा यार चांसेस है मे बी इस बार यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यार सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है, बट उतना नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो यार आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जितने भी सभी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यार क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे उतना नहीं, ठीक है। मैं आपको पहले भी क्लियर कर दूँ कि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसके बाद यार आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 8, 9 ये और ये 9 नंबर इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9 नंबर यार, ठीक है, आपका 1 और 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर यार आपका इंपॉर्टेंट हो भी सकता है ये, क्योंकि यार मॉडल पेपर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। मॉडल पेपर जैसे ही रिलीज़ होता है मैं यार आपको कन्फर्म कर देता, बट यार मॉडल पेपर का तो वेट करते करते थक गए, ठीक है, कब आएगा पता नहीं, ठीक है। तो ये एनीवे, तो चलिए उसके बाद यार आपका ये 11th नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, ठीक है, आप मैंने जितने सिलेक्टेड बताया। उसके बाद यार आपका ये 12th नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जितने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये वाला यार आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यार ये 13 नंबर क्वेश्चन, ये 13 नंबर आपका यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यार आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने यहाँ पे बताया कि 1 ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, यार वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, 25 लगभग, तो क्या करें, ठीक है, एनीवे, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ गाइज, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, किसमें से कितना मार्क आएगा और किस टाइप का आएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है, तो वो मैं आपको एंड में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यार मेरा गला भी सूख गया, ठीक है, यार आप देख सकते हैं यार टाइम अभी 12:26 हो चुका है, 12:30 लगभग, ठीक है। तो एनीवे, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम में यार मैं आपको यहाँ पे और एक बात थोड़ा सा मैं बता दूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब चैप्टर्स हैं, तो इसीलिए मैं इन दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एक साथ दे रहा हूँ, क्योंकि यार ये एक दोनों के साथ इंटर रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन यार कम्युनिकेशन सिस्टम वाले में इंक्लूड कर दिया जाता है, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों चैप्टर का क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, तो इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन अपने तरफ से बता दिए, ठीक है, एज इट इज इसमें भी बताऊंगा, ठीक है, बट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मे बी बोर्ड एग्जाम में इस बार यही आ जाए, ठीक है, आ सकता है। पूछ रहा है कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉड्यूलेशन क्या है और व्हाई इज मॉड्यूलेशन नीडेड, ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या है और मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ये क्वेश्चन यार आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में मतलब मुझे जहां तक लगता है यार ये कन्फर्म आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन को यार आप अच्छे से करके जाएगा कि मॉड्यूलेशन क्या है और मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है, मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट यार आपका जो भी मतलब सिग्नल होता है, ठीक है, उसको मतलब हाई मतलब ज़्यादा दूर तक भेजने के लिए यार उसमें मतलब पावर मतलब इम्पोज किया जाता है, ठीक है, मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी कि उसको पावर बढ़ाया जाता है, बेसिकली सिंपल वर्ड में कहें तो कोई मॉड्यूलेशन होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको यार बुक्स में मिल जाएगी, आप एक्सप्लेन करके उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, ठीक है, आपको यार मैं क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यार आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन के कौन कौन से अलग मतलब अलग अलग मतलब कौन कौन से टाइप हैं मॉड्यूलेशन के, तो इसको एक्सप्लेन करके लिए पूछेगा। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन आर यार देर आर 3 टाइप, मतलब जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यार आपका होता है
एएम मॉडुलेशन यानी कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, दूसरा है आपका एफएम मॉडुलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी, एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, और थर्ड है आपका पीएम यानी कि फेस मॉडुलेशन। ये तीन टाइप के मॉडुलेशन होते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एंड फेस मॉडुलेशन, फेस मॉडुलेशन, ठीक है। और इन सबको यार आपको एक्सप्लेन करके खुद से लिखना है, आपको बुक्स में मिल जाएंगी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि व्हाट आर ग्राउंड वेव्स, ठीक है, ग्राउंड वेव्स क्या है और स्काई, ठीक है, व्हाट आर ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव, एक्सप्लेन ईच। ये क्वेश्चन यार आपके 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था कि स्काई वेव और स्पेस वेव क्या होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट यार 2020 में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मतलब एक अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि ग्राउंड वेव क्या होता है, स्काई वेव क्या होता है, या फिर स्पेस वेव क्या होता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। एंड गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें मतलब इंक्लूड करके भी क्वेश्चन मतलब आ सकता है कि यहाँ पे आपको व्हाट आर ग्राउंड वेव की जगह पूछ सकता है कि व्हाट आर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, व्हाट आर, ठीक है, स्काई वेव प्रोपगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन, यानी कि यहाँ पे प्रोपगेशन को भी इंक्लूड मतलब एड करके क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस क्वेश्चन पे यार आप फोकस कीजिएगा थर्ड नंबर पे कि व्हाट आर ग्राउंड वेव की जगह आपको व्हाट आर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन पूछ सकता है, स्काई वेव प्रोपगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यार इस बार आपका जो मॉडुलेशन अगर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन यार आपका आ सकता है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज मॉडेम, मॉडेम क्या है, ठीक है, मॉडेम क्या, एक्सप्लेन इट्स रोल इन डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन में, ठीक है, मतलब मॉडेम क्या है और डाटा कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन यार काफी इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, मतलब वही क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा है। फिफ्थ नंबर, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर डाटा कम्युनिकेशन थ्रू ए मॉडेम एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, यानी कि इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं पूछ रहा है कि मॉडेम क्या होता है, ठीक है, उसका ब्लॉक डायग्राम मतलब ब्लॉक डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछेगा एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन, मतलब इसका क्या रोल है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल है उसको लिखना है, ठीक है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये फोर और फाइव नंबर क्वेश्चन यार बेसिकली आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों को मतलब एक साथ आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मॉडेम क्या है, एक्सप्लेन करना है, इसका ब्लॉक डायग्राम वगैरह बनाना है। तो ये जो फोर और फाइव नंबर क्वेश्चन है यार काफी इंपॉर्टेंट है आपके मतलब 2020 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, ठीक है। तो वीडियो जो है 30 मिनट की हो चुकी है लगभग, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फाइव नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर डाटा कम्युनिकेशन थ्रू ए मॉडेम, सॉरी ये तो आपका फोर एंड फाइव नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स नंबर पूछ रहा है कि व्हाई आर स्काई वेव नॉट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग टीवी सिग्नल्स। गाइज ये जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है यार कन्फर्म मुझे लगता है कि इस बार यार ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ मतलब इस बार जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जहाँ तक यार मेरे को लगता है, ठीक है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो यार अच्छे से इसको कर लीजिएगा, पूछ रहा है कि स्काई वेव्स को मतलब टीवी ट्रांसमिशन मतलब टीवी के ट्रांसमिशन टीवी सिग्नल के रूप में ट्रांसमिशन के लिए यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, उसको यार थोड़ा सा आपका दो मतलब एक्सप्लेन करके लिखना है बस यार, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से करते जाइएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वाटर स्काई वेव क्या है और मतलब टीवी ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। उसके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीमॉडुलेशन, एक्सप्लेन। जितना कि यार मॉडुलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, एज इट इज यार आपका डीमॉडुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं भी इस बार कभी भी यार मतलब मैक्सिमम जो अगर देखा जाए तो जेक बोर्ड में यार डीमॉडुलेशन उतना नहीं पूछता है, बट यार 2020 में यार क्या होने वाला है किसको पता, यार डीमॉडुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यार डीमॉडुलेशन को भी आप अच्छे से करके जाइएगा। तो गाइज यार आपको मेरी वॉइस चेंज थोड़ी लग रही है क्योंकि यार गला मतलब सूख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन है यार आपका डीमॉडुलेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपका एट नंबर पूछ रहा है कि why short wave communication over long distance is not possible via ground waves, यानी कि ground wave के थ्रू यानी कि अगर हम लोग ground wave का यूज़ करके short wave communication को अगर long distance तक मतलब करने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक रीज़न समझाता हूँ, क्योंकि ग्राउंड वेव के शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन में अगर लंबी दूरी तक इसको लेके जाएंगे तो इसका अटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अटेंशन आई मीन जो भी मतलब वेव का जो पावर है, ठीक है, वो पावर बहुत ही डिक्रीज मतलब बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। बट यार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको अच्छे से लिखना है। तो एट नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नाइन नंबर क्वेश्चन जो कि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, काफ़ी बोले तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइन नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट या फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर व्हाट आर इट्स यूजेस,
तो बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। रिमोट सेंसिंग यार आप सुने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो होते हैं उसी में यार एक प्रकार का ये मतलब एक प्रकार का टेक्निक या फिर एक प्रकार का मशीन है, ठीक है। तो उसके थ्रू यार क्या किया जाता है कि मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का यार कितने डिस्टेंस पे है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका साइज क्या है, ठीक है, उसमें कितना उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उसको यार पता लगाया जाता है। एक प्रकार का टेक्निक है जो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ये काम करती है, ठीक है। और इसका क्यों क्या यूजेज है, बहुत सारे इसके काफ़ी यूजेज है। लाइक मान लिया कोई बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो इस हिसाब से यार आप मान लिया अर्थ का टेम्परेचर अभी कितना है, ठीक है, उसको भी आइडेंटिफाई या फिर देखने के लिए आप इसका यूज़ करते मतलब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का। तो इसके यार काफ़ी यूजेज हैं, आप मतलब बुक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है, और इसको यार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन में आपका यार पूछ रहा है कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। ये क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार चेकबोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन आपका आखिर क्या है। मैंने फर्स्ट मतलब पहले क्लियर कर दिया था कि मॉडुलेशन यार आपका तीन प्रकार का होता है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एंड फेज मॉडुलेशन। तो उसमें से यार आपका एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछेगा कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन क्या होता है कि और व्हाई डज एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन गिव नॉइज रिसेप्शन। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, सिग्नल को भेजने के लिए, तो उसमें बहुत सारा काफ़ी नॉइजी मतलब काफ़ी नॉइज आता है, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है, वही पूछ रहा है कि व्हाई डज एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन गिव्स मतलब वो नॉइजी रिसेप्शन क्यों देता है। तो इसको यार नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको यार अच्छे से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार आ भी चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग 11 नंबर, उसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। यही वाला एज इट इज इस टाइप का जैसे मैंने पहले बताया कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, उस प्रकार से फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन क्या होता है। और यहाँ पे आपको ये जो सेकंड मतलब इस फर्स्ट को छोड़ के इधर सेकंड टाइम मतलब जो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि वाई एफ एम यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ एम को शॉर्ट में मतलब फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन को शॉर्ट में एफ एम लिखते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वाई एफ एम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन मॉडुलेशन सिग्नल लेस सॉरी यार मतलब गला में बहुत यार क्या कर गला सूट, ठीक है, तो सॉरी गाइस यार गला मेरा काफ़ी सूख चुका है, ठीक है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पूछ रहा है 11th नंबर की फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन जो है वो, ठीक है, वो क्या होता है और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन सिग्नल जो होता है वो मतलब कम नॉइज देता है एज कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन सिग्नल, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन सिग्नल जो होता है उसके कंपेरिजन में फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन जो कम नॉइज देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको 11th नंबर में। तो उसको यार ये काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में आपका पूछ रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, वाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले एक क्वेश्चन था टीवी ट्रांसमिशन वाला, ठीक है, एज इट इज़ ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि मतलब लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का यूज़ करना जरूरी है और ये क्यों, ठीक है, ये क्यों जरूरी है कि लॉन्ग डिस्टेंस टीवी मतलब टीवी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, ये क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ओके गाइस। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ये यार आपका एनसीईआरटी को मतलब कुछ मिला जुला के, ठीक है, क्वेश्चन है। तो इसमें यार 13 नंबर क्वेश्चन में यार आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि डिफाइन दिस टर्म, यानी कि इसमें यहाँ पे जितने भी आपको टर्म्स दिख रहे हैं इन टर्म्स को यार डिफाइन करने के लिए पूछेगा। अदरवाइज यार आपको यह पूछेगा कि व्हाट इज एनी डिवाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एनी डिवाइस, तो एनी डिवाइस की जगह में कोई भी एक डिवाइस आएगा, जैसे ट्रांसड्यूसर ये भी एक डिवाइस टाइप का है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, रिपीटर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपका एक डिवाइस में आता है, ठीक है। तो इनमें से यार कोई ये ए बी सी डी में कोई एक आएगा, ठीक है, वो पूछेगा और गिव वन एग्जांपल और इसका एक एग्जांपल देना है, या फिर आपको पूछेगा कि डिफाइन दिस टर्म, यानी कि जितने भी टर्म है उसको डिफाइन करना है। तो इसमें से यार आपका ए नंबर है ट्रांसड्यूसर, फिर ट्रांसमीटर, रिसीवर, रिपीटर, नॉइज, ठीक है, नॉइज़ क्या होता है, सिग्नल जो कि दो टाइप एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते हैं, एम्पलीफिकेशन क्या होता है, बैंडविड्थ और रेंज, और एटेनेशन। तो एटेनेशन यार आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, एटेनेशन यानी कि कोई भी मतलब जो पावर हो मतलब जो भी कोई भी एक वेव होती है, ठीक है, तो उसकी मतलब उसका जो मतलब पावर है वो अगर धीरे मतलब घटते जा रहा है, ठीक है, तो उसको एटेनेशन हो रहा है बोलेंगे, मतलब उसका पावर घटना कोई एटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन यार इन सभी को यार आपको डिफाइन कर लेना है, और जितने भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे चार उनका एक एक एग्जांपल आपको यार अच्छे से लर्न करके जाना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यार काफ़ी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि डिफरेंस या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के बीच आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, और साथ में गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट का भी एक एग्जांपल देना और
ब्रॉडकास्ट का भी एक एग्जांपल देना है, तो मैं इसको भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि यार पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई एक आदमी किसी एक आदमी के साथ या फिर एक एक के साथ ही कम्युनिकेशन हो रहा है, और ब्रॉडकास्ट मतलब बहुत एक आदमी कम्युनिकेट कर रहा है बट बहुत सारे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है वो होता है। मतलब इसका आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझा दूं, अगर मैं अगर हम लोग किसी से मतलब स्मार्टफोन से बात करते हैं तो ये आपका यार पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आप मतलब उनकी बात सुन रहे हैं, वो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट होता है। और ब्रॉडकास्ट जैसे कि मैं यहाँ पे अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप बहुत सारे काफ़ी स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो ये मैं अभी यहाँ पे अकेले मतलब बता रहा हूँ, बट यार काफ़ी स्टूडेंट मतलब मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस टाइप से ये ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका और इसका एक एग्जांपल, तो ये था ये 14 नंबर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके 2020 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको यार अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछ रहा है कि व्हाट आर सिग्नल्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो ये क्वेश्चन यार आपका इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम यार बहुत पहले काफ़ी साल पहले आता था, बट अभी ये जो मतलब सिग्नल्स के सिग्नल पर भी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन यार काफ़ी आपको ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, तो यार आपको उसको भी अच्छे से करके जाना है। इसमें पूछ रहा है कि सिग्नल क्या होता है और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि स्टेट तो गाइज यार मेरा गला भी सूख गया और वीडियो भी लेंदी हो चुकी है, तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 यार, जो क्वेश्चन नंबर 16 से जो स्टार्ट होता है उसका यार आंसर भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर भी आप मतलब शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से यार इसको मतलब ये कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि स्टेट टू वेज मतलब कि दो मतलब स्टेट टू वेज बाय विच द टीवी ट्रांसमिशन कैन बी इंक्रीज, मतलब कि दो ऐसे कौन से दो तरीके को आपको मतलब दिखाना है जिसके मतलब जिसके थ्रू जिसका यूज़ करके हम लोग टीवी ट्रांसमिशन का रेंज को हम लोग इंक्रीज यानी कि बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि टीवी ट्रांसमिशन का रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ टीवी टावर, यानी कि टीवी टावर का अगर हाइट को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बड़ा करेंगे, तो हम लोग का मतलब जो टीवी ट्रांसमिशन का जो रेंज है वो ज़्यादा होगा। और दूसरा है आपका बाय यूजिंग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग मतलब अर्थ के चारों तरफ मतलब बहुत सारे सेटेलाइट मतलब ये कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से एक सेटेलाइट होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अगर हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को और ज़्यादा अगर मतलब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का यूज़ करेंगे तो हम लोग का टीवी ट्रांसमिशन वो बहुत ही मतलब ज़्यादा रेंज होगा, ठीक है, ज़्यादा ही रेंज उसका इंक्रीज हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछ रहा है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एम, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कौन कौन से लिमिटेशन है, यानी कि ठीक है कौन कौन से लिमिटेशन या फिर कौन कौन से मतलब एक साइड से मतलब डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि नॉइज रिसेप्शन, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमेट मतलब कोई भी सिग्नल का, ठीक है, तो वहाँ पे यार क्या होता है कि वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, तो वो नॉइज़ी रिसेप्शन होता है। उसके बाद दूसरा मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन, यानी कि उसको मॉडुलेशन पहले करना पड़ता है फिर डीमॉडुलेशन, ये भी एक थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम टाइप की है। तो ये दो इसके भी आंसर है, ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने आंसर दे दिया, ठीक है, आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके देख मतलब दिखना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि नेम द बेसिक यूनिट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बेसिक यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक यूनिट है वो ट्रांसमीटर, फिर दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल और तीसरा रिसीवर, यानी कि कोई मतलब कोई भी सिग्नल होगा, ठीक है, कोई भी कोई मैसेज होगा तो उसको हम लोग पहले ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल में जाएगा, फिर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रिसीवर के पास जाएगा। तो ये तीन जो है वो बेसिक यूनिट्स है, सॉरी, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्री बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो तीन है वो बेसिक यूनिट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो गला यार मेरा बहुत ज़्यादा बैठ चुका है, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछ रहा है कि वाई शुड ट्रांसमीटर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स यूज डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज यार आपको समझ में नहीं आ सकता है क्योंकि अजीब टाइप का, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वाई शुड ट्रांसमीटर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स यूज ए डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स होता है, वो मतलब अलग अलग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का मतलब यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, उस टाइप का मतलब क्यों मतलब इस टाइप आपको यार मैं आपको थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ, मतलब क्यों मतलब ये ट्रांसमिट करना चाहिए, ठीक है, वाई शुड ट्रांसमीटर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स यूज डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो गाइस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें बेसिकली पूछ क्या रहा है कि मतलब कि हमें मतलब जो कोई भी मतलब ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो हम लोगों को मतलब जो ट्रांसमिट ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसीज को हम लोग को यूज़ क्यों करना चाहिए, वो पूछ रहा है। तो इसका रीज़न ये सबसे पहला है कि क्यों करना चाहिए कि मतलब टू ट्यून द रिसीवर टू ए पार्टिकुलर ट्रांसमिशन, मतलब कि एक पार्टिकुलर ट्रांस सॉरी यार
चलो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मतलब टू ट्यून रिसीवर टू पार्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद दूसरा है टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी कि कोई भी मतलब बाहर से एक मैसेज सिग्नल आ रहा है उसका मिक्सिंग को रोकने के लिए हम लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो ये दो यार आपके आंसर हैं, ठीक है, शॉर्ट में, तो आप उसको कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको पूछ रहा है कि गिव टू एडवांटेज एंड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको मैं यार बता दूं वीडियो के एंड में यार आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो यार वीडियो को मतलब स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन के देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि गिव टू एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन के दो एडवांटेज आपको लिखना है। तो सबसे पहले एडवांटेज है नॉइज फ्री कम्युनिकेशन, यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको यार नॉइज फ्री कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद सेकेंड है कम्युनिकेशन ऑफ लार्ज नंबर, नॉइज फ्री मतलब यार आपका जो भी मतलब खैरकर या फिर जो भी आवाज़ होती है, ठीक है, वो नहीं होती है, ठीक है, साफ क्लियर आवाज़ होती है। उसको सेकंड है कम्युनिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल थ्रू ए सिंगल चैनल एट हाई स्पीड, मतलब एक ही सिंगल चैनल पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं कि एक ही मतलब एक ही सिंगल चैनल पर और वो भी हाई स्पीड के साथ। तो ये होता है हम लोग का डिजिटल कम्युनिकेशन का एडवांटेज। अब मैंने जैसे कि बताया कि इनमें से ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए सभी यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा वो जो कि यार सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बट मैं फिर से क्लियर कर दूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने ईएम वेब के मतलब आपको बता दिया, आप कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, ये मतलब क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स भी यार मतलब जितने भी दिए हो यार सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन नंबर सिक्स सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन टू सिक्स यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वन टू सिक्स। उसके बाद यार आपका, हाँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर एट भी, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन एंड क्वेश्चन नंबर टेन एंड क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंड, हाँ, एंड क्वेश्चन नंबर 14 यार आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद उसको क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो ये सब यार काफ़ी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर से यार काफ़ी कितना बार क्लियर करूँ कि ये सभी क्वेश्चन यार आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट ये पे बात करते हैं, ठीक है, वो है यार जिसका कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, ठीक है, कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को जान लेते हैं तो यार आप काफ़ी अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के मैं यहाँ पे दो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए, तो उन दोनों के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी तक यार जेक बोर्ड का जो मॉडल पेपर वो रिलीज़ नहीं हुआ है, तो यार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वो कुछ चेंजेस कर भी सकता है नहीं भी, बट किसी को पता नहीं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर के, ठीक है, उसके बेस पे बताऊंगा, या फिर एंड जहाँ तक मुझे लगता है यार इस बार मॉडल पेपर कोई चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि मॉडल पेपर लेट से रिलीज़ हो रहा है, प्लस 2020 है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका यह क्या होता है कि 1+2=3, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, इसमें 3 मार्क का टोटल पूछा जाता है, जिसमें से जो 1 मार्क का जो होता है वो आपका MCQ, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 1 मार्क का, और जो 2 मार्क का जो होता है वो आपका ग्रुप बी में से 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए वो आपका 2 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल यार आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें से यार आपका नंबर नहीं कटता, ठीक है, इतना नंबर नहीं कटता, क्योंकि यार इजी है और इसके यार कोई अलग क्वेश्चन भी नहीं होता, मतलब अलग आंसर भी नहीं होते, तो इसमें यार आपका मार्क जो है वो कटता नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इसमें आपको 3 out of 3 स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद यार आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में यार आपका टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से यार आप आगे में देख सकते हैं 1+1, यानी कि बेसिकली क्या होता है इसमें यार आपको मे भी हो सकता है कि आपको यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनकी MCQ, 2 MCQ दे दे कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है, 2 MCQ दे दे, अगर 2 कम्युनिकेशन सिस्टम का 2 MCQ देता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, तो आपको यार यहाँ पे जो ग्रुप बी में क्वेश्चन 2 नंबर वाला वो नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली ग्रुप सी में यार
थ्री नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल आपका अगर एमसीक्यू दो आता है तो यार आपको ग्रुप सी में डायरेक्टली कम्युनिकेशन सिस्टम का एक थ्री मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको एमसीक्यू अगर टू मार्क का नहीं रहता है, ठीक है, अगर एमसीक्यू नहीं रहता है तो यार आपको ग्रुप बी में एक क्वेश्चन रहेगा टू मार्क का एंड ग्रुप सी में आपका एक क्वेश्चन रहेगा थ्री मार्क का। तो गाइज आपका टोटल इसमें से फाइव मार्क का आएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो बाकी चैप्टर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो आपको यार आपको कैसे लगी प्लीज वीडियो मतलब नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप जब कमेंट करते हो यार मुझे काफी मोटिवेट मिलता है। और गाइज यार आप देख सकते हैं अभी यार आपका जो टाइम है वो 12:50 यानी कि लगभग एक बजने वाले, यानी कि रात को एक बजे यार आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यार प्लीज वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर पसंद नहीं आता है तो यार डिसलाइक भी कर दीजिएगा, और प्लस नीचे कमेंट में भी कर दीजिएगा कि क्या आपको यार पसंद नहीं लगा, ठीक है। और अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो यार नीचे प्लीज़ यार कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मतलब किसी भी अगर किस टाइप का यार पर्सनल क्वारी, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो यार मतलब क्वेश्चन ये स्टडी से रिलेटेड नहीं, आपके यार कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो यार आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है आपका अबाउट सेक्शन में, ठीक है, वहाँ से यार आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको यार रिप्लाई वहाँ पे दे दूंगा। और गाइज और एक बात की यार काफ़ी इस बार जो ये काफ़ी लेट से मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका रीज़न यार कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है, बीच में, सो दैट मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं यार रेगुलर रहूँगा, कंटिन्यू रहूँगा, ट्राई करूँगा वीडियोस अपलोड करने की जल्द से जल्द, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी सामने है। और मॉडल पेपर का यार वेट कब तक करेंगे, सो दैट मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार मॉडल पेपर कब आएगा किसी को पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है या फिर जहाँ तक आता है वो दिसंबर के एंड तक में यार आपका मॉडल पेपर रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यार जल्दी से मॉडल पर रिलीज़ हो जाए, तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यार आपको आवाज़ मेरी जो वॉइस है वो काफ़ी अलग लग रही है, क्योंकि यार मेरा गला पूरा बैठ चुका है, ठीक है, रात के एक बजने वाले। तो गाइज यही थी तो आज की वीडियो, ठीक है। तो आई होप यार आपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यार नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो यार आप इसको फिर से आप वीडियो को यार पॉज कर करके यार सभी क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा, और सबका यार आंसर आपको मिल जाएगा बुक्स में, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए और काफ़ी रिसर्च जो एनालाइज करके मतलब बनाए हैं, ठीक है, वो मैंने एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन सभी को यार इंक्लूड करने के बाद यार ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया, तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और गाइज आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ही लंबी, आई थिंक इस चैनल की यार सबसे लेंदी वीडियो यही वीडियो है, ठीक है, लगभग यार 1 आवर की वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो यार मैं ट्राई करूँगा जल्दी लाने के, ठीक है, और यार आपको फिजिक्स का, ठीक है, और मतलब आपको यार कौन से मतलब चैप्टर का सबसे मतलब कौन से चैप्टर का सबसे पहले यार वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा उस पर जल्द मतलब उस पर पहले वीडियोज लाने की। एंड येस गाइज, और इसका यार पीडीएफ बहुत मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का पीडीएफ मांगेंगे, तो यार इसका पीडीएफ मैं आपको यार अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। जब यार मॉडल पेपर रिलीज हो जाएगा तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस यार आपके मतलब कुछ क्वेश्चन ऐड करूंगा और कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है। एंड देन मैं यार आपको पीडीएफ फ्री में, आपको यार कोई कुछ नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यार अभी के लिए यार आप क्वेश्चन मतलब नोट डाउन करके यार क्वेश्चन को लिखते जाइए और करते जाइए। तो गाइज आज के लिए बस इतना यार, वीडियो लगभग एक घंटे की होने वाली, और मैं तभी से यार यहाँ पे फाजड़ मार रहा हूँ, ठीक है, एक घंटे होने वाला, तो मेरा गला भी बैठ चुका है, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की। तो वीडियो यार आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड गाइज अपने दोस्तों या फिर क्लासमेट जो भी है क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।